वो प्रॉब्लम ये आ रही है, इसको ऑन की है तो ये ऑन होके स्टार्टअप के ऊपर ही जो है ना ये सेटअप में चला जाता है, बायो सेटअप के अंदर। तो ये प्रॉब्लम आ रही है इसको, तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोस्तों अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नए इन्फो के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। ये सैमसंग का लैपटॉप है, NP350V इसका मॉडल नंबर है। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है, इसको ऑन की है तो ये ऑन होके स्टार्टअप के ऊपर ही जो है ना ये सेटअप में चला जाता है, बायो सेटअप के अंदर। तो ये प्रॉब्लम आ रही है इसको, तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। तो उसे के लिए जो है ना इसका प्रॉब्लम ये है कि सोर्स बूट इनेबल है, बूट डिवाइस प्रायोरिटी कस्टम, ये आपने आ जाना है सिस्टम इन्फो, उसके बाद एडवांस, उसके बाद सिक्योरिटी, और उसके बाद ये जो चीज़ है आपने सोर्स बूट कस्टम बूट ये आपने चेक कर लेना आपका डिसेबल तो नहीं है, इसको इनेबल करना है। और दूसरे नंबर के ऊपर बूट के अंदर आ जाना है, ये इसका सोर्स बूट है, ठीक है सोर्स बूट, इसको ये चेक कर रहे हैं बूट डिवाइस प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद ये सोर्स बूट आपने इनेबल है, ये इसको डिसेबल किया है, ठीक है। OS मोड सिलेक्शन आ गया, OS मोड सिलेक्शन में आपने UEFI एंड लेगेसी OS ये आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो पहले इनेबल था तो ये चीज़ अब इधर आप ऑन करते हैं तो आपका इधर जो है ना वो कोई भी चीज़ शो नहीं होगी, लेकिन ये हमने पहले इसको इनेबल किया था तो उसके अंदर हार्ड वगैरह इसकी डिग्री वगैरह आ गई है। तो अब इसको सेव करते हैं, एग्जिट सेव, यस। तो ये चेक कर लें, ये कंप्लीट जो है ना अभी विंडो ऑन इसके स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये मुकम्मल विंडो इसको ऑन हो गई है, तो अभी बिल्कुल ओके आई है। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। Thank you.